हाय, आई एम नेहा हरसोरा। हाय, दिस इज कमर ढिलन, आप सबका कीड़ी। और आप हमें देख रहे हैं ई टाइम्स पे। E-times. वही जो इनका कैरेक्टर है, वही मुझे लगता है कि इज वेरी चिल एंड कंफर्टिंग, आई कैन से। वही जो बोलते हैं ना, पूरे सेट का माहौल ही बदल देता है। लुक को लेके आप देख ही रहे हो, मैंने तो भाई पूरा बदल डाला खुद को। दाढ़ी वाड़ी ऊपर कर ली, बाल बढ़ा लिए, दिन हो गया। मतलब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं शिवा जैसा कहीं से ना लगूं। अगर मुझे फूल या फूलों की माला बनाने या गूंथने नहीं आएगा तो मैं साहिली को कैसे बताऊंगी या रिप्रेजेंट करूंगी। सो मुझे सीखना पड़ा ये चीज़ कि फूलों की माला कैसे बनाते हैं, गजरे कैसे बनाते हैं, वेणी कैसे बनाते हैं। तो ऐसे मेरे कलीग्स हैं, जितने पंड्या स्टोर के मेरे कास्ट मेंबर्स हैं, अक्षय हो गया, किंचुक हो गया, शाइनी, सिमरन, ऑल ऑफ देम, मोहित, एलिस ऑफ कोर्स, तो सभी को बहुत पसंद आया आपके कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपके विशेस के। थैंक यू। ऐसे मेरा पहला शो है स्टार प्लस के साथ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने नए शो के लिए। और काफ़ी मेहनत की है साहिली ने। साहिली का कैरेक्टर एक आई कैन से पुअर या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जहाँ वो एवरीडे स्ट्रगल करती है कि आज जो मैंने पैसे कमाए हैं वो उससे ही कल घर चलेगा। तो वो काफ़ी सारे बिजनेस करती है, फूलों का बिजनेस है उसका, पोहा और चाय का स्टॉल लगाती है और साथ में बाबा के गन्ने की चरखी भी संभालती है। तो काफ़ी एम्बिशियस लड़की है कि वो बहुत कुछ करना चाहती है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए भी। उसे फूलों की एक बड़ी दुकान खोलनी है, पर उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसकी वजह से वो अपना ड्रीम पहले परिवार को आगे रखती है। शो का नाम है उड़ने की आशा, तो आई थिंक उड़ने की आशा हम सब में होती है, अलग अलग कैपेसिटीज में, अलग अलग अपने अपनी औकात के हिसाब से सपने देखते हैं सब। ऐसी सचिन और साहिली भी है, अपनी अपनी औकात के हिसाब से, औकात से बड़े नहीं पर औकात के हिसाब से सपने देख रहे हैं। मतलब ये दो इतने सिंपल कैरेक्टर है कि इनकी औकात ये नहीं है कि मैं छोपड़े में रहती हूँ, मैं तो एयर होस्टेस बन के दिखाऊंगी। नहीं, इसका ये भाई फूल की दुकान खोलनी है, बेसिक। ये भी मिडिल क्लास है, बाप ट्रेन चलाता है, टैक्सी चलाना है मेरे को, बेसिक। तो मतलब हम ये नहीं बेच रहे कि अरे बहुत बड़े सपने देखो, गरीब इंसान बहुत बड़े सपने देख सकते हैं, नहीं। ये है कि इंसान मिडिल क्लास हो, लो मिडिल क्लास हो, वो छोटे सपने रख के भी ना उड़ने की आशा रख सकता है। तो ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जिनके अपने अपने सपने, अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने हालात हैं टू फाइट विथ, टू लिव विथ। एंड बाकी आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज को लेकर तो बहुत श्योर हूँ कि भले इस शो का फेट कुछ भी हो, वैसे ब्लॉकबस्टर ही हो, बट वैसे कुछ भी फेट हो इस शो का, पर साहिली और सचिन से हर इंसान और हर इंसान और हर रेगुलर बंदा रिलेट करेगा और पसंद करेगा और जुड़ेगा, तो ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी तो जो ऊपर वाला चाहे और जो ऑडियंस चाहे, यही है। राजा हिंदुस्तानी हिट थी ना, तो बस सचिन भी और टैक्सी नंबर 911 भी, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। इनफैक्ट सच अ गुड मूवी, नाना पाटेकर इज सच अ गुड रेफरेंस पॉइंट फॉर दिस रोल। उनकी फ्रस्ट्रेशन अलग होती है, पर जैसे अभी मैं एक इंटरव्यू में कह रहा था कि टैक्सी ड्राइवर्स की भी अपनी कितनी ज्यादा स्ट्रगल होती है यार, पूरे दिन गाड़ी चलाना, 50 लोगों से आप डील करते हो, एक चीज थोड़ी इधर उधर आती है, पुलिस वाला पकड़ लेता है उसके साथ चिक-चिक, आपका गाड़ी को कुछ हो गया तो बॉस के साथ चिक-चिक, नौकरी पे बात, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और सचिन की जिंदगी में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और वो डील करता रहता है अपनी तरीके से, फिर बैकफायर भी उस पर ही होता है। तो ऐसे भी एक आधे कोई इंसिडेंट्स आपको इनिशियली देखने मिलेंगे। तो मजा आया मुझे, मतलब टैक्सी चला के मुंबई में ना, अपनी गाड़ी में तो बहुत बार घूमा, बट टैक्सी चला के मुंबई में घूमना, कैमरा वैमरा लगा के, मजा आया, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब ऐसे फालतू की लड़ाई नहीं, पर मुझे लगता है एक आध बार मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव करता हुआ एक कैब वाला था और मैं उसी कैब में था और वो पिया हुआ था और बहुत बहुत रैश गाड़ी चला रहा था, मतलब इतना रैश कि अगर मैं नहीं रोकता तो वो ठोक देता। तब एक हादसा हुआ था और बहुत झगड़ा हुआ था, बजाया बजाया था उसको, मतलब बहुत बहुत गंदा सीन हुआ था, बट गलती उसी की थी
कि मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव, मरना है तो अकेले मर भाई, मुझे लेके सो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप रेट करते हो ड्राइवर्स को, नौकरी खतरे में आती है, बट वो उसकी गलती और वो वहां गलत था, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आप गलत नहीं होते हो। और जैसे सचिन का एक इंसिडेंट होता है कि वो अपनी टैक्सी को ना अन्नदाता मानता है, मतलब धोखे रखता है, पोछ के रखता है, तो उसके दोस्त बोलते भी है कि क्या रे तू टैक्सी को ऐसे चमका रहा है जैसे तूने खरीदी हुई है, किसी और की चला रहा है। तो बोलता है रोजी रोटी देती है ना मेरे को, घर चलाती है ना मेरा, तो मतलब मैं खुद की हो या किसी और की हो चमकाने का, कल को मेरा टैक्सी सर्विस रहेगा तो मैं भी चाहेगा ना मेरे दोस्त लोग धोए या मेरा मेरे अंडर जो काम कर रहा है वो साफ रखे। ये बोले तो सचिन ये बोलता है कि कल को जब मेरी टैक्सी सर्विस भी होगी तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा स्टाफ मेंटेन करे, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो ये इतना सिंपल है। तो उसकी टैक्सी में जब गंदगी होती है ना, जैसे कोई आड़ा टेढ़ा इंसान बैठ गया या कपल हो गए जो मिरर में ये देख रहा है और अनकंफर्टेबल, तो ये उतार देता है, तो इसको बैकफायर होता है वो सब। तो ऐसे भी लोग होते हैं भाई, उम्मीद तो वही है कि उससे भी आगे जाए, पर जो पिछला करके हटे होते हो, मैं सोचता हूँ हमेशा कि आपने जो पिछले काम से एक बेंचमार्क बनाया है लाइफ में, हमेशा उससे आगे सोचो। तो उम्मीद वही है कि जो शिवा था, शिवा शिवा है अपनी जगह, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं वो सोचूं भी, मैं सिर्फ चाहता हूँ जो बेंचमार्क एक बन गया है उसको भी पार करो। तो आई होप वो चीज़ इस शो से हो और सचिन को भी उतना ही प्यार मिले। वही जो इनका कैरेक्टर है वही मुझे लगता है कि इज़ वेरी चिल एंड कम्फर्टिंग आई कैन से, वही जो बोलते हैं ना पूरे सेट का माहौल ही बदल देता है, तो काफ़ी अच्छा है इनका नेचर आई कैन से विद रिस्पेक्ट टू वर्क और विद द सीन्स ऑल्सो, तो मज़ा आता है काम करने में। जी बिल्कुल सीखा है साइली के रोल के लिए, क्योंकि अगर मुझे फूल या फूलों की माला बनाने या गूथने नहीं आएगा तो मैं साइली को कैसे बताऊंगी या रिप्रेजेंट करूंगी। सो मुझे सीखना पड़ा ये चीज़ कि फूलों की माला कैसे बनाते हैं, गजरे कैसे बनाते हैं, वेणी कैसे बनाते हैं, ताकि रियलिस्टिक लगे ऑडियंस को, और सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत आपको दिखे और आपके दिल को छुए। यार मैंने पता है क्या कॉम्प्लीमेंट मान लिया, कि जिसने प्रोमो देखा और खुद ब खुद शेयर कर लिया, मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट हो गया कि यार चलो लोग खुश है, आपके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं या लोग हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने शेयर कर लिया क्योंकि उन्हें अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो शायद नहीं शेयर करते। तो ऐसे मेरे कलीग्स ने, जितने पंड्या स्टोर के मेरे कास्ट मेंबर्स हैं, अक्षय हो गया, किंचुक हो गया, शाइनी, सिमरन, ऑल ऑफ देम, मोहित, एलिस ऑफ कोर्स, तो सभी को बहुत पसंद आया। और स्पेसिफिकली अगर आप एलिस का पूछ रहे हैं तो एलिस को दूसरा वाला प्रोमो तो बहुत ही अच्छा लगा, काफी लोग को इनफैक्ट अच्छा लगा। तो सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मुझे इंडस्ट्री वालों का बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बीएड कास्टिंग डायरेक्टर्स और दूसरे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स। सो हर शो में ये नहीं होता, पंड्या में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, आई होप अभी इसका फेड भी वही हो जो पंड्या का था और ये भी शो उतना ही बड़ा हिट हो, एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोमोज हमारे एपिसोड्स को जस्टिफाई करें और लोग खुश हो। लुक को लेके आप देख ही रहे हो, मैंने तो भाई पूरा बदल डाला खुद को, दाढ़ी वाड़ी ऊपर कर ली, बाल बढ़ा लिए, लीन हो गया, मतलब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं शिवा जैसा कहीं से ना लगूं, और मैं नहीं लग रहा हूँ जिससे पहले आप बोलो। तो क्या है बंगाली हो गया, हाँ क्या हो, क्या है बंगाली, होए गेलो तो मेरा भी होए गेलो ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो अभी आई होप यार लोगों को अच्छा लगे बस। ये मेरा स्टार प्लस का फर्स्ट शो है, बहुत मेहनत की है, आई होप आप सबको बहुत पसंद आए नेहा एस साइली, और देखिए उड़ने की आशा मंडे टू संडे रात 9 बजे 12 मार्च से सिर्फ स्टार प्लस पर।